दिन भर में सिर्फ दो प्राइम का बुकिंग बस और कुछ नहीं। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है सचिन और आप सभी का गाइस फिर से आज एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइस आज है 9 तारीख, कल मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि कल गया था गाइस मैं मीटिंग में, जैसे कि मैंने परसों के डे में बताया था। तो गाइस मीटिंग काफी टाइम चला और थक गया था काफी उधर से इतना, और बाद में मतलब आते आते फिर घर पे आते आते मैंने 2 ट्रिप भी कंप्लीट किए और काफी अच्छा मुझे सर्च में मुझे बुकिंग मिला था दोनों बुकिंग का, और दो बुकिंग में मेरे 1500 रुपये का रिंग हो गया। मैं तो शॉक हो गया कि भाई प्राइम में भी अच्छा खासा पैसा मिलता है, बट बुकिंग हमको प्राइम की अच्छी आनी चाहिए। और तो मुझे तो मिला तो सर्च मिला था, तो धमाकेदार हुआ था। और घर पे जाते थे भी और भी बुकिंग आ रही थी, लेकिन कल सुबह गाइस मैं 6 बजे उठा था। 6 बजे उठ के मुझे थोड़ा रेडी होना था, और जैसे कि आप देख सकते हो कि भाई फ्रेश होना था एकदम, थोड़ा दाढ़ी वाड़ी निकल दिया। हमारे एक भाई ने मैसेज किया था कि सचिन भाई सब क्या दाढ़ी वाड़ी रखते, तो भाई रखना पड़ता है कभी कभी, चेंजेस करना पड़ता है। तो कल मीटिंग था इसलिए थोड़ा नए क्लीन करके सब गया था। काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन हमने उनके सामने दिया, और एक बड़ी कंपनी है तो टाइम तो लगेगा, बट जो हम लोग की तरफ से था हम लोग ने उसको दिया, उनको सब दिया, तो वापस शायद नेक्स्ट मंथ मीटिंग। ये गाइस जो भी बड़ी कंपनी आते हैं ना, वो जल्दी मतलब बहुत बोलते हैं, मतलब बहुत जल्दी उसका ये नहीं होता, उनको पूरा स्टडी करना पड़ता है। तो उन लोग से हमारा बातचीत चालू है, तो जो भी रहेगा आगे तो आपको पता चलेगा कौन सी कंपनी कौन सा ब्रांड है, उसके साथ में क्या काम कर रहा हूँ, वो सब चीज़ पता चलेगा आने वाले समय में। नेक्स्ट मंथ में वहाँ पे एक बड़ी मीटिंग अरेंज की, वहाँ पे मैं और भी मेरे जो ड्राइवर्स भाई उनको भी लेके जाना, एक अच्छा सा मतलब मैंने उनको कहा है कि भाई एक अच्छे से एक हॉल में अपना जो मीटिंग ऑर्गेनाइज कीजिए, ताकि वहाँ पे जो 40-50 लोग वहाँ पे आएंगे उनकी भी बातें सुने कि ड्राइवर के भाई क्या क्या चाहिए, वो सब चीज़ें, तो भी सब चीज़ आपको आने वाले समय पता चलेगा। ठीक है, जो भी जैसे भी रहेगा अपडेट आपको देते जाऊंगा भाई। लगभग तो भी मुझे लगता है ये लॉन्च होने को भी 6-7 महीने लगेगा, बड़ा कंपनी अच्छा खासा मतलब जैसे कि मैंने जो बात किया मुझे तो वहाँ से बोलते ना सब चीज़ सही लगा, बट ठीक है और भी देखेंगे टाइम लगेगा। तो कल उसी में ही गाइस पूरा दिन गया, सुबह 6 बजे रात को पहुंचते थे भाई 11 बजे आते थे, 2 ट्रिप मस्त पे की मिली मुझे, और सच में कल काफ़ी अच्छा बिजनेस था। बाद में ऐसा लगा कि भाई मैंने ये संडे के अलावा मंडे को शायद मीटिंग करता तो मेरा संडे के दिन कल लगभग आराम से तो मुझे लगता है 5 से 6 का तो धंधा कर ही देता था। ठीक है, लेकिन काम भी हर काम के साथ में और भी काम दूसरा करना पड़ता है, और मेरे तो ऐसे काफ़ी सारे जो काम ऐसे पेंडिंग में भी है। ठीक है, और एक वाइज बोलना चाहता हूँ मैं, अभी आने वाले समय में मैं अपने कुछ ड्राइवर भाइयों के लिए, क्योंकि मैं एक सोशल मीडिया पे मैं काम करता हूँ, मुझे पता है सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे जो जरिए जहाँ से पैसे आते हैं, जहाँ से हम पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो वो सब जरिए भी मैं आपके पास लेके आने वाला हूँ, विद प्रूफ के साथ मैं दिखाने वाला हूँ, जहाँ पे मैं खुद मेरी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, वहाँ पे मैं खुद मेरे पैसे लगाता हूँ। ठीक है, जो आपको सही लगेगा उसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट कीजिए। काफ़ी अच्छे अच्छे मेरे पास कंटेंट है, वीडियोस भी है, बट टाइम की वजह से वो सब चीज़ नहीं हो पा रहा, बट आप लोगों के लिए धमाकेदार और एकदम बम वाला बोलते हैं ना बम, सब वीडियोस में लेके आने वाला हूँ, इसी महीने में आने वाला हूँ। थोड़ा वेट कीजिए, सब्र रखिए, क्योंकि भाई मैंने भी पिछले 2 साल सब्र रखे, तब जाके ये सब चीज़ मुझे आज देखने मिल रहा है। तो भाई आने वाले वीडियो तो क्लास A1 होने वाले, तो ज़रूर देखना। और जैसे कि आज का वीडियो भाई मैंने स्टार्ट कर दिया, आज तारीख है 9 और गई दोपहर को बज रही है अभी 1:15 बज रहे, और मैं फर्स्ट ट्रिप लेके आया हूँ। जैसे ट्रिप चालू किया तो भाई प्राइम का बुकिंग मुझे मिला, और वो सर्च में था 18 किलोमीटर का मुझे मिला भाई 460 रुपये, तो मुझे लगता है उसके अंदर 391 रुपीज मुझे मिला एक ही ट्रिप का 391। ठीक है, अभी मैं फिलहाल घनसोली स्टेशन के सामने, अभी देखते हैं इसके आगे कौन सा मुझे बुकिंग मिलता है। तो बने रहना ब्लॉग में, वीडियो को देखना एंड तक, और भाई आज आपका भाई एकदम स्मार्ट दिख रहा है, बताना कमेंट करके कैसा दिख रहा हूँ। ठीक है, तो करते चलो आज के वीडियो को कंटिन्यू, और देखते हैं आज कितना हमारा आज का टोटल अर्निंग होता है। अभी मैंने गाड़ी रुकाया है घनसोली स्टेशन के सामने, भाई काम इतना हो गया कि घर पे सुबह सोचता हूँ सुबह जल्दी निकलो भाई, लेकिन क्या करें, आपके भाई को आपने इतना बड़ा बना दिया कि भाई बड़े बड़े लोग भी अभी फ़ोन करते हैं मैसेज करते हैं। चलो अच्छी बात है भाई, आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट और प्यार आप मेरे पे बरसाए रखना, ताकि आपका भाई कुछ आगे और कर सके। ठीक है भाई, बच्चे स्कूल के भाई जाने दो उनको। ठीक है चलो गाइस, अब ये घनसोली स्टेशन के यहाँ पे पहुंचो, अब यहाँ से देखते भाई कौन सा बुकिंग। भाई मैंने तो सोचा आज पूरे दिन में प्राइम ही बुकिंग लो, और मिनी का बुकिंग अपने को नहीं जमता है भाई, तो कोशिश तो कर रहा हूँ, मिनी का तो मैंने बंदी करके रख दिया सुबह से, मैं बोला भाई आएगा तो प्राइम मारेंगे नहीं तो नहीं मारेंगे भाई, वो क्या 200-250 रुपया सेडन कार में भाई जमा करें, मजा नहीं आ रहा है उसके अंदर। ठीक है, तो देखते कोशिश तो कर रहे हैं भाई, जितना हो सके उतना सेडन का ही बुकिंग मारे। चलो देखते आगे के चलते भाई, ऐप चालू है देखते। तो गाइस देख रहे हो सामने लाल बत्तियों के गाड़ी जा रही है, भाई साहब अपने बाजू से गए, उसमें है अपने मुंबई के मिनिस्टर है शंभुराजे देसाई, उनको देखा भी अपने बाजू से निकल गए हो। तो भाई मुंबई के अंदर ये सब चीज़ डेली दिखता है भाई, हमने तो अभी के जो
मिस्टर साहब को भी हमने हमारे गाड़ी के बाजू में देखा है कुलावा में, कि उनका तभी दाफा जा रहा था तो मेरे बाजू में सिग्नल पर उनकी गाड़ी खड़ी थी। तो डेली हमको ऐसे कोई ना पॉलिटिकल हमें दिखते रहते हैं। तो अभी मैं पहुँचा इधर वर्ली अपना फ्रीवे के ऊपर गाइस, और मुझे जाना है अभी वडाला आरटीओ। काफ़ी लोगों को वडाला आरटीओ पता नहीं, वडाला आरटीओ के बाजू में ओला का ऑफिस भी है, तो वहाँ पे अपना थोड़ा काम था, इस गाड़ी के पेपर बन चुके थे वहाँ पे, तो उसको पिकअप करने जा रहे हैं। मैं घनसोली में था, घनसोली से मुझे पिकअप लगा था प्राइम का आज, तो मैंने सोचा भाई मैंने मारेंगे नहीं, या तो पर्सनल है तो प्राइम, बाकी नहीं मांगता छोटा मोटा ट्रिप भाई तो नहीं लिए। तो प्राइम का बुकिंग मिला 400 में मिला भाई, एक ट्रिप का 400 मिलता है प्राइम के अंदर, बट मैंने के अंदर नहीं मिलता था भाई, वो 200-250 रुपये देता था। तो दो ट्रिप मिला, दो ट्रिप का 800 रुपये का अर्निंग हुआ भाई। तो अभी हम जा रहे हैं वडाला आरटीओ, काफ़ी लोगों को वडाला का आरटीओ पता नहीं होगा तो दिखा देंगे, और ओला का भी ऑफिस इधर ही, अगर आपको ओला का कुछ भी काम रहेगा तो वैसे तो मैंने मेरे वीडियो में मैंने बताया भाई, अगर कुछ भी आपको काम होगा तो अपना मनोज भाई जो अपना आपका काम करके देगा, ओला उबेर का कुछ भी प्रॉब्लम होता तो करके देंगे, जितना तक कि उनसे होगा वो ठीक है। आईडी से आईडी खुलवाने से लेकर अगर आपका आईडी बंद भी होता है तो भी वो चालू करवा के देंगे ठीक है। तो यहाँ तक आने की मुझे नहीं लगता कि किसी को ज़रूरत होगी, तो जो भी काम रहेगा आप डायरेक्ट उनको फ़ोन करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से हमें दिखा रहा है 4 किलोमीटर वडाला आरटीओ, आरटीओ के अंदर ही जाना है, वडाला आरटीओ के अंदर भाई। मुंबई के अंदर अगर कुछ भी मतलब MH-03 का अगर कुछ भी काम होता है तो वडाला आरटीओ आना पड़ता है। शायद मैं कल भी आऊँगा क्योंकि इस गाड़ी का पासिंग बाकी है, तो मैंने बोला चलो इस गाड़ी का भी पासिंग हम करा लेते हैं। तो क्या क्या खर्चा आता है, खर्चा तो जो भी रहेगा इनके ऑनर है गाड़ी के, उन्होंने किया, तो क्या क्या काम होता है पासिंग में वो भी आपको कल दिखाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने इसके पहले मेरे वीडियो में भी मैंने बताया था मेरे वैगनर का पासिंग मैंने इधर से किया था, दाड़देव से किया था। आप पासिंग गाइस कहीं से भी करा सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं आपका MH-03 होगा तो आप MH-03 आरटीओ से कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, पासिंग आप कहीं भी करा सकते हैं ठीक है। कल आपको उसका वीडियो दिख जाएगा पासिंग का, पासिंग में क्या क्या लगता है, क्या क्या पेपर क्लियर होने चाहिए तब जाके आपका गाड़ी पासिंग होता है। फटाफट चलते हैं वडाला आरटीओ, वहीं पर मिलते हैं भाई साहब। यहाँ से भी जाना है हमको वडाला आरटीओ से, नीचे जाके राइट गाइस मिलते हुए। गाइस आज का भी दिन मेरा इतना खराब गया है ना कि गाइस क्या बोलूं आप लोगों को, 11-12 बजे निकल के भाई साहब रात के 10 बजे तक मेरा अर्निंग इतना कम हो रहा है कि उसका कोई पता नहीं, मतलब कि मेरे साथ में ऐसा हो रहा है या बाकी लोगों को भी और भी बुकिंग आ रहा है, बट बाकी लोगों को मैंने और भी मेरे जो सर्कल्स में उनको पूछा तो उनको भी बुकिंग आज नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा है, काफ़ी अफसोस हो रहा है कि शायद अगर कल मैं जाता था, मैंने तो कल दो ही ट्रिप मारा था घर पे आते आते, और जो मेरा अर्निंग हुआ था लगभग 1500 के लगभग या 1400 के लगभग अर्निंग हुआ था। और आज की गाइस मैं बात करूँ सुबह 11 बजे से लेके अभी तक मैंने गाइस सिर्फ 1800 रुपये का मैंने गाइस बिजनेस किया है, तो समझ सकते हो आप, कल सिर्फ घर पर आते आते मैंने 1500 का बिजनेस किया, और आज गाइस घर से काम के लिए निकला और 1800 का बिजनेस मिला, वो भी गाइस उसमें भी एक ट्रिप मुझे पर्सनल मिला जो था उल्लासनगर का, जो मैंने वडाला से लिया था और यहाँ पे पैसेंजर को ड्रॉप किया था, और उसका मुझे 1100 रुपये मिला। और गाइस जो सुबह मैंने सिर्फ दो ट्रिप कंप्लीट किए थे प्राइम के, मैंने आज मिनी को ऑन ही नहीं किया, प्राइम का अगर बुकिंग आया तो ठीक है, नहीं तो नहीं लेंगी मिनी को, क्योंकि गाइस 700 रुपये का CNG भरा है मेरा, बस CNG उसमें ही मेरा चला गया, अभी भी लगभग 3 पॉइंट CNG है, मतलब लगभग एक CNG में मुझे लगता है 2500 से 2700 के लगभग बिजनेस इसमें हो जाता है। अब इसमें भी अगर गाइस हम अगर मिनी का ट्रिप लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि सेडान जैसी गाड़ी में हमें प्रॉफिट होगा करके, तो हो सके उतना प्राइम का बुकिंग ले लो। हाँ अगर आपको लग रहा है कि आपको घर पे जाना है तब बात अलग है, अगर मिनी चालू करके रख दिया और बुकिंग ले लिया, बट ऐसे सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि अगर हम सुबह निकले और मिनी को चालू करें मिनी का बुकिंग ले लेंगे तो भाई नहीं परवड़ेगा अपने को। मुझे पता था 30 बस के बाद बिजनेस डाउन होगा, बट इतना डाउन होगा वो नहीं पता था, मतलब मिनी का बुकिंग आ रहा है, मिनी का बुकिंग इस गाड़ी में लेके मतलब नहीं, प्राइम कर भाई, प्राइम कर के सबसे सडन का बुकिंग आना चाहिए। तो भाई गाइस सोचो आप भी, मतलब पूरे मुझे लगता है कि 10 दिन में मैंने क्या बिजनेस किया मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है। मतलब 2 तारीख को मेरे हाथ में गाड़ी मिली थी, लगभग 6 दिन में, आज 9 तारीख है, तो लगभग 6 या 7 दिन के अंदर गाइस कुछ भी मतलब अगर जैसा मुझे चाहिए वैसा अर्निंग कुछ मुझे मिला नहीं ठीक है, मतलब काफ़ी ख़राब गया। पूरे दिन भर में सिर्फ 2 प्राइम का बुकिंग बस, और कुछ नहीं, और बस नसीब मेरा पर्सनल बुकिंग था इसके लिए बच गया, नहीं तो भाई साहब काम तो अपना तमाम ही हो जाता था भाई साहब। और ऐसे भी नहीं कि पर्सनल पे भी बुकिंग है नहीं,
आज थोड़ा दोपहर को थोड़ा मिसमैच हो गया, नहीं तो आज मुझे आउट स्टेशन का ट्रिप मिल जाता था। बस में मेरे यहाँ से निकल गया और उतने में ही मेरे गाड़ी में पैसेंजर आ गए थे और उतने में एक आउट स्टेशन का बुकिंग पर्सनल बिक रहा था। बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा पेमेंट था, बट बोलते ना नसीब खराब तो क्या करेगा भाई साहब, तो उससे वो सब चीज़ हो रहा है अभी। कोई बात नहीं भाई साहब, चलता है, बिजनेस है, बिजनेस डाउन है। हाँ मैं एक बात बोल, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद नाइट में बिजनेस है, ऐसा मुझे लग रहा है। देखते हैं, अगर कल का एक दिन भी हम सुबह निकलते हैं, अगर ऐसा रहेगा तो फिर हम परसों से नाइट में काम करते, क्योंकि भाई पैसा चाहिए, काम डे में करो या नाइट में करो। मैंने सोचा था कि भाई नाइट में आज से काम करना बंद कर देंगे, तो ये तो उल्टा सीन हो गया, डे में ही बुकिंग आना मुझे बंद हो गया। तो ये बात भाई तो हजम, ये बात तो गई हमें हजम हो नहीं रही, बट देखेंगे जितना हो सके उतना अर्निंग करना है हमको, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करना है, क्योंकि भाई आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं करना है, बिजनेस है तो बिजनेस दिखाना है। ठीक, अब मेरे से गलतियाँ हो रही है पता नहीं, या शायद पता नहीं जो भी है, ठीक है तो भी देखेंगे। यहाँ से तो गाइस मैं निकल रहा हूँ घर पे, क्योंकि रात के 10 बज रहे और मैंने ऐप को ऑन करके ही रखा है, मैंने ऐप को बंद करके नहीं रखा है, फिर भी बुकिंग नहीं आ रहा है। गाइस जैसा सोचा था मैंने कि मेरा डेली का इसमें 4000 का बिजनेस होना चाहिए, बट मुश्किल से 3000 भी अभी तक मैंने क्रॉस नहीं किया इसके अंदर। ठीक है, देखते हैं जो भी आपको पता चल जाएगा। अभी यहाँ से मैं जा रहा हूँ, फिर मुझे कल भी मतलब रोज़ निकलता हूँ कि सोचता हूँ कि आज नहीं कल तो बिजनेस अच्छा होगा, बट पता नहीं बिजनेस डाउन है, बहुत ही कम हो रहा है। और जो सच है वही मैं आप लोगों के सामने बताता हूँ, मतलब ऐसे नहीं कि बस मैं मेरे वीडियो और मेरे व्यू के लिए मैं आप लोगों को कुछ भी बिजनेस दिखाऊँ, ऐसा काम मैं करता नहीं। जो है वही मैं आपको फैक्ट बताते जाऊँगा और बताऊंगा और आगे जाके भी बताऊंगा वैसे। ठीक है, तो अभी चलो यहीं से निकलते घर पे भाई, उल्लासनगर से कल भी यहीं से रात को घर पे निकला था और आज भी कहीं यहीं से निकल रहा हूँ रात को घर पे। अगर 4 नंबर से बुकिंग लगा था मुझे और यहीं पे पैसेंजर को ड्रॉप किया, अभी यहाँ से निकलते गाइस घर पे, मिलते कल एक नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ में। तो गाइस आप लोग भी कमेंट करके बताना जरूर कि बिजनेस कैसा है, क्या है ओला या उबर में। ठीक है गाइस, बस अभी इधर से निकलते हैं घर पे, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।